ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आपने जिंदगी में एक रुपए का सिक्का तो देखा ही होगा, पर एक रुपए का सिक्का आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति दिला सकता है। कभी कभी बहुत जतन करने के बाद भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ती है। जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो चीजें हमेशा उल्टी हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो अगर आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं और रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक रुपए के सिक्के के साथ घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाने से उस घर के सदस्यों पर कोई तांत्रिक अथवा ऊपरी बाधा असर नहीं करती, साथ ही उस घर में धन का अभाव नहीं रहता है। अभी रोज सुबह श्री आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, सूर्य यंत्र का निर्माण करके 3 माला रोज आप जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से हृदय रोग में काफ़ी लाभ होगा। कभी कभी बेडरूम की खिड़की से नकारात्मक वस्तुएं या नकारात्मक प्रभाव देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं। तो ऐसे दृश्य से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दीजिए। यदि गोमती चक्र को लाल सिंदूर के डिब्बे में रखकर घर में रखें तो सुख शांति बनी रहेगी। यदि कोई रोग लंबे समय तक ना जाए तो 1 रुपए का चमकीला सिक्का रात को सिरहाने रखकर सो जाइए, सुबह उसे शमशान की सीमा पर जाकर चुपचाप फेंकाइए, रोग आपका समाप्त हो जाएगा। फिर घर के बाहर कुमकुम से स्वास्थ्य का चिन्ह रोज बनाएं, यह बहुत ही सौभाग्यशाली चिन्ह होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।